अभी कुछ ही देर पहले एक स्नैचिंग की बड़ी वारदात हो जाती है। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। सोने की चैन खींचकर बाइक सवार लुटेरे भाग जाते हैं। सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल बताई जा रही है, जिस पर लुटेरों ने इस लूट की वारदात को, स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सैर करके आ रहे थे वहां से, इस टाइम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे, पीछे से दो बाइक वाले आए, उन्होंने पीछे से चैन तोड़ी और आधी चैन टूट गई, आधी रह गई, मेरे कपड़ों में उलझ गए। वहाँ थोड़ी सी दूरी पर जाकर हमने देखा, वो पीछे भी लखाया एक उनमें से हल्की सी दाढ़ी थी उसको लड़के को, और व्हाइट कलर के पैचे थे। आज ये तो गदर मिट गया भाई, जो तो अभी मेरे पास से उठ के आए थे जी, अल तीन कट्ठे उन्हें तो ऐसे हाथ मारे उस पर बतावा, अल इन सोती यार दोस्त था कोई लेके तोड़ के अपना दिन दिहाड़े का होया जी, ये तो बहुत कदर होया थी। सुबह शहर के लिए गए हुए थे, तो जब वो शहर से वो वापिस आ रहे थे तो बाइक सवार थे दो जिनों अनजाने, उन्होंने इनकी चैन को जो है तोड़ के फरार हो गए थे। तो मौके पर पहुंचे, अभी जैसे ही अपना कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल करते हैं, हाँ सफेद रंग की अपैचे बाइक बताई है इन्होंने, तो क्या कार्रवाई की जाएगी इनकी कंप्लेंट है, क्या फाइल रजिस्टर्ड करके और कैमरे वगैरह भी चेक करे जाएंगे। सत्येंद्र मान जो रोजाना की तरह शहर कर गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर से वापस अपने गिड़े वाले पीर के पास इनका घर है वहां पर जा रहे थे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके गले में स्नैचर्स ने हाथ मारा। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद कोई दोस्त है पीछे से हाथ मारा है, लेकिन जब तक इनकी नजर पड़ी तो ये आधी सोने की चैन इनके कपड़ों में उलझ गई, और आधी चैन जो बाइक सवार अपाचे सफेद रंग की बाइक सवार लुटेरे थे वो लूटकर फरार हो जाते हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 112 की टीम मौके पर मौजूद है, सदर थाना से जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला, दिन दिहाड़े इस पुल पर एक बड़ी वारदात हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि इस पुल पर रात के समय भी नशेड़ी बैठे रहते हैं, चोर उचक्के बैठे रहते हैं, कई बार इस तरह की जानकारी आई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे करनाल के गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर से। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अपाची बाइक है, सफेद रंग की अपाची बाइक पर लुटेरे घूम रहे हैं। और अभी अभी आप देख सकते हैं जो गोगड़ीपुर वाला फ्लाईओवर है वहां पर आप देख सकते हैं स्नैचिंग हुई है, सोने की चैन खींच कर जो है आप देख सकते हैं मान साहब जो सैर कर रहे थे उनकी चैन खींच कर भाग जाते हैं, आधी चैन गिर जाती है और आधी चैन लूट कर भाग जाते हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं, सोने की चैन लूट कर भाग जाते हैं, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें थाना सदर से, डायल 112 से मौके पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्लैक रंग की स्वेट शर्ट थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम सैर करके आ रहे थे वहाँ से, इस टाइम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे, पीछे से दो बाइक वाले आए, उन्होंने पीछे से चैन तोड़ी और आधी चैन टूट गई, आधी रह गई, मेरे कपड़ों में उलझ गए। वहाँ थोड़ी सी दूरी पर जाकर हमने देखा, वो पीछे भी लखाया एक उनमें से हल्की सी दाढ़ी थी उसको लड़के को, और वाइट कलर के पैचे थे। कपड़े किस तरह के? ब्लैक। कहाँ भाग गया हूँ? ब्लैक स्वेट शर्ट थी। सीधे गया हाथी रोड की तरफ, सीधे हाथी रोड की तरफ गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सफेद रंग की अपाची बाइक पर यह बड़ी लूट की वारदात, स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी वारदात हुई है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी कुछ ही देर पहले एक स्नैचिंग की बड़ी वारदात हो जाती है। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, सोने की चैन खींचकर बाइक सवार लुटेरे भाग जाते हैं। सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल बताई जा रही है, जिस पर लुटेरों ने इस लूट की वारदात को, स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं गोगड़ीपुर गांव के रहने वाले मान साहब जो अब यहां शहर में रहते हैं, उनके गले से सोने की चैन छीन कर फरार हो जाते हैं। आधी चैन उनके हाथ में है, आधी सोने की चैन लुटेरे, सफेद रंग की स्पोर्ट्स बाइक थी अपाचे,
जिसमें सोने की चैन खींचकर भाग जाते हैं सैर कर वापस पुल से अपने घर जा रहे थे, तभी जो है उनके साथ यहां पर ये लूट और स्नैचिंग की वारदात हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस को इस समय डिटेल नोट कराते हुए नजर आ रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर के ऊपर, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं जो स्नैचिंग की वारदात है वो हुई है। डायल 112 की टीम मौके पर है, तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश की जा रही है। सफेद रंग की व्हाइट अपाचे मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स बाइक पर आते हैं स्नैचर्स और आप देख सकते हैं गले से ये सोने की चैन छीन लेते हैं। आधी चैन इनके कपड़ों में लग जाती है और आधी चैन टूटकर जो लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं। चैन दिखाना सर, ये आधी चैन थी, आप ये देख सकते हैं आधी चैन ये है, आधी चैन वो लूटकर फरार हो जाते हैं। आधी सोने की चैन टूटकर इनके कपड़ों में उलझ जाती है और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सैर कर वापिस आ रहे थे आप देख सकते हैं, इस समय फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर ये वारदात हुई है, जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है और मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी वारदात होगी दिन दाड़े। हाँ जी, ये तो गदर मिटिया बहन जो तो अभी मेरे पास से उठ के आए थे जी, अले तीन कट्ठे उन्हें तो ऐसे हाथ मारे बतावा, अले इन्हें सोची यार दोस्त है कोई लेके तोड़ के अपना दिन दिहाड़े का होया जी, ये तो बहुत कदर होया दिन दिहाड़े का। बिल्कुल इस पुल पर जानकारी तो ये भी है कि रात के समय गुप्त अंधेरा होता है, रात के समय तो कई बार जानकारियां मिली हैं कि नशेड़ी किस्म के लड़के यहां पर खड़े रहते हैं। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं, तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस की टीम मौके पर है, थाना सदर की टीम मौके पर है, डायल 112 की टीम मौके पर है, उनसे भी जानना चाहेंगे। इस समय सदर थाना से जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, एक बड़ी वारदात हो जाती है। सदर थाना से जांच अधिकारी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या जानकारी मिली थी जो चेन स्नैचिंग हुई है? अभी हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ना सतविंदर है जो अपना सुबह शहर के लिए गए हुए थे, तो जब शहर से वो वापिस आ रहे थे तो बाइक सवार थे दो जिनों अनजाने उन्होंने इनकी चैन को जो है तोड़ के फरार हो गए थे। तो मौके पर पहुंचे अभी जैसे ही अपना कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल करते हैं, हाँ सफेद रंग की अपैचे बाइक बताई है इन्होंने, तो क्या कार्रवाई की जाएगी इनकी कंप्लेंट है FIR रजिस्टर्ड करके और हाँ कैमरे वगैरह भी चेक करे जाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं नरेश कुमार दिया, डायल 112 की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची थी। सतेंद्र मान जी हमारे साथ मौजूद हैं, मान साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या से आप आ रहे थे और क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम सैर करके आ रहे थे जी, फ्लाईओवर से जिस टाइम नीचे उतर रहे थे ना, पीछे से दो जने आए, चैन का झटका मारा और बेच दे के भाग गए, आधी चैन टूट गई आधी रह गई मेरे कपड़ों नॉलेज की थी। तो किस पे थे वो? अपाचे मोटरसाइकिल थी, कोई कपड़े वगैरह? ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, स्वेट शर्ट, आगे जाके वो पीछे वाला मुड़ के देखा, वो हमने देखा उसका चेहरा थोड़ा सा याद है। दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात हो? हाँ जी, 8 बजे की बात। तो रोजाना सैर करते हैं आप यहाँ? डेली करूँगा, 6:30 बजे निकलते हैं हम सैर करने, 8 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं हम। क्या नाम आपका जी? सतविंदर मान है। सतविंदर मान है, चैन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आधी चैन इनके हाथ में रह गई है और आधी चैन जो लुटेरे थे जो स्नैचर्स थे वो लूट कर भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी वारदात हुई है, पुलिस की तमाम टीमें इस समय गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर पर मौजूद है। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से, इस समय आप देख सकते हैं बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं सतेंद्र मान जो रोजाना की तरह सैर कर गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर से वापिस अपने गीडे वाले पीर के पास इनका घर है वहां पर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके गले में स्नैचर्स ने हाथ मारा। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद कोई दोस्त है पीछे से हाथ मारा है, लेकिन जब तक इनकी नजर पड़ी तो ये आधी सोने की चैन इनके कपड़ों में उलझ गई और आधी चैन जो बाइक सवार अपाचे सफेद रंग की बाइक सवार लुटेरे थे वो लूटकर फरार हो जाते हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम मौके पर मौजूद है, सदर थाना से जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला, दिन दिहाड़े इस पुल पर एक बड़ी वारदात हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि इस पुल पर रात के समय भी नशेड़ी बैठे रहते हैं, चोर उचक्के बैठे रहते हैं, कई बार इस तरह की जानकारी आई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे करनाल के गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर से।
की टीम भी सबसे पहले मौके पर पहुंची थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं? सर हमारे पास इवेंट आया था चैन स्नैचिंग के संबंध में, और इसके बारे में हमने मतलब वीटी करवा दी है सभी जिला में, और नाके लगवा दिए जगह जगह, और मौके पर एएसआई नरेश कुमार थाना सदर से प्रेजेंट हो गए हैं जी, और इनकी कंप्लेंट हुई सफ़ेद रंग की बाइक थी जी, नंबर नोट नहीं हो सक्या, तो जी नाका लगा के जैसा भी हो जी कार्रवाई, तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, और सदर थाना से पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। गोगड़ीपुर वाले फ्लाईओवर के ऊपर जो है ये बड़ी वारदात हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। डायल 112 की टीम मौके पर है, सदर थाना से पुलिस की टीम मौके पर है, और मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जाएगा, ताकि सफेद रंग के बाइक पर सवार, अपाचे बाइक पर सवार उन लुटेरों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ पता जरूर लगाया जा सके, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील है कि सावधानी से जरूर चलिए, इस तरह से शक अगर किसी पर भी हो तो ऐसे लोगों को जरूर पकड़वाइए, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।